हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए डुगा की तरफ से क्या लेकर आई हूँ, चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन की सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। हमने जो क्वेश्चंस किए थे 6 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। अब हम करने वाले जो बाकी बचे 6 क्वेश्चंस वो, ताकि हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाए, यहाँ कंप्लीट हो जाए आपकी सेकेंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा था फंक्शन, राइट। फंक्शन के जो हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस किए थे, आपने उनकी करी होगी प्रैक्टिस, जरूर करी होगी। क्यों करी होगी प्रैक्टिस? अगर वो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो ये क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करोगे, प्रैक्टिस करो ना इनकी। क्या करनी है आपको, पहले प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। पहले वो वाली वीडियो देखो, उससे पहले फंक्शंस के बारे में क्या है वो जानो, तभी आप क्वेश्चंस आसानी से और इजीली कर पाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। जितना टफ हम इस चैप्टर को समझते हैं और जितना बोरिंग भी समझते हैं, उतना बोरिंग ना ये है और ना ही टफ है। सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है, जो आप करते नहीं है। समझ तो लेते हैं, बट हम पहले क्या है, हमारा माइंडसेट जो है, पहला यही माइंडसेट है क्या कि ये चैप्टर तो टफ है और ये कितने मार्क्स का आ जाएगा पेपर में, छोड़ देंगे हम, या हम करते ही नहीं है, हम ये सोच लेते हैं। बट आपको वो नहीं करना ना, आपको वो करना ही नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आसान लगेगा आपको, फिर आप यूं कर लोगे इसे भी। तो देखो, दो ही तो चीज है पूरे चैप्टर में, रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन के क्वेश्चंस कैसे होंगे, सारे क्वेश्चन उसी टाइप्स के हैं। फंक्शंस के क्वेश्चन भी सारे उसी टाइप्स के हैं। दो ही चीजों के बारे में बात हो रही है पूरे चैप्टर में, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है जिससे आपका पूरा चैप्टर कवरअप होता है। तो देखो क्वेश्चन 7 क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हर एक केस में जो भी आपको दे रखे हैं यहाँ, स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव। वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव क्या होते हैं ये, वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव, वन वन जहां पे फंक्शन यूनिकली बन रहा हूं जो पढ़ा था हमने। ऑन टू में क्या होगा, ये सारे के सारे जितनी भी इमेजेस बन रही है वो हमारे को डोमेन के बराबर होनी चाहिए, तो ऑन टू फंक्शन है। जब ये दोनों के दोनों बाइजेक्टिव कब होंगे, जब हमारे पास कोई भी फंक्शन बन रहा है और उसमें वन वन फंक्शन भी बन रहा है, ऑन टू भी बन रहा है, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। तीनों चीजें कंप्लीट तो करनी है सॉल्व। ये अगर नहीं बन रहा, ये बन रहा है, तब भी ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। दोनों चीजें होनी चाहिए तभी आपका बाइजेक्टिव बनेगा। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट देखो एफ आर क्या दे रखा है, एफ आर किसको कर रहा है, आर को ही। मतलब आर आर यहाँ क्या हो गए दोस्तों, यहाँ आर हो गए आपके रियल नंबर। आर किसको डिनोट कर रहा है, ये आपके रियल नंबर्स को करता है, ये चीज याद रखना। इस चैप्टर में आर आर का दे रखा है आपको फंक्शन, तो वो रियल नंबर्स हैं। जेड है तो वो इंटीजर्स होंगे आपके, ये तो बेसिक सी चीजें हैं। इनको किससे डिनोट करते हैं, एन है तो नेचुरल नंबर है, और मेन तीनों यही है। इन्हीं तीनों के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों के बीच का फंक्शंस आपको रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है, यही आपके पास आएंगे। नेक्स्ट देखो, अब बात है, ये हमारे पास है एफ सच देट आर आर, तो रियल नंबर्स लेंगे। बट यहाँ जो फंक्शन डिराइव्ड किया गया है, जो फंक्शन यहाँ दिया गया है, वो क्या है, वो दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 4 एक्स, राइट। ये चीज दे रखी है गिवन आपको। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बनाती हूँ दो क्या फंक्शन बनाऊंगी इनके बीच का रिलेशन। अब देखो मैं दो वैल्यूज दे लेती हूँ, एक आर ये लिया अगर, एक आर ये लिया, ये हमारा डोमेन वाली, ये हमारे को डोमेन है। को डोमेन में हमारी इमेजेस जो बनेगी वो रेंज वाली वैल्यू होती है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मेरे को रियल नंबर्स लेने हैं, मैं 1 ले लेती हूँ। अगर मैं 1 लेती हूँ, एक्स की जगह मैंने लिया 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 से पहले मैं रियल 0 भी ले सकती हूँ। चलो मैं पहले देखती हूँ, मैं 0 लिया, अब मैं 0 बन, ये 0 हो गया, ये हो गया, मेरे पास वैल्यू आ गई 3। क्या आ गई, 3 जो मैंने यहाँ लिख दिया, राइट। ये 3 हो गया, ये यहाँ काम खत्म। अब मैं क्या करती हूँ, 1 लेके देखती हूँ, अगर मैं 4x को मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ 1 से कर दू, 4 4 में से 3 जाएगा, नेगेटिव है, 1 लेने पर कितना आ जाएगा, -1। ये इसके फंक्शन बन गया, ये इसके साथ बन गया, राइट। सिंगल सिंगल बने अभी तक। मैं 2 ले लू यहाँ,
तो 8 और 8 में से 3 जाएंगे, 5 बच जाएंगे माइनस के, ये भी सिंगल। अब रियल नंबर की बात है ना, 1/2 ले लूं, लेट सपोज अगर मैं 1/2 लेती हूँ, ये कैंसिल होकर 2, 3 में 2 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, तो ये आपके आ गया 1। तो ये 1-1 फंक्शन बन रहे हैं, और भी आ जाएंगे 1-1 फंक्शन बन गए, क्योंकि ये जो है इसमें जो डोमेन है वो हमारा क्या हो गया है दोस्तों, यूनिक हो गया है। ये जो डोमेन था वो हमारा यूनिक आ रहा है, जिस वजह से रेंज भी यूनिक ही निकल रहा है। तो हमारा यूनिक यूनिक क्या हो गया आपका, ये 1-1 फंक्शन है। तो हम लाइन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज, रेंज क्या हो जाएगी आपकी, रेंज इज यूनिक, और अगर ये यूनिक हो गई सो इट इज क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन। ये आपका 1-1 फंक्शन हो गया, राइट। अब क्वेश्चन में देखो आगे एक और चीज बोली गई, जस्टिफाई योर आंसर। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जस्टिफाई करो, बट आपको आना चाहिए अगर पूछ लिया गया क्वेश्चन में भी, कि आपको अपने इस आंसर को जस्टिफाई करना है कि कैसे। तो जस्टिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपके पास एफ एक्स है इक्वल्स टू, देखो एफ एक्स है इक्वल्स टू 3 - 4x, राइट, ये है, ये चीज है। अब मैं इसको जस्टिफाई करूंगी तो मैं x के जगह क्या लिख सकती हूँ, ये था मैंने एफ एक्स 1 ले लिया, दूसरा मेरे पास हो जाएगा 3 - 4x, राइट, हो गया ये। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैं क्या, एक x हो गया ये दूसरा x हो गया, ये जगह y भी तो लिख सकती हूँ, जरूरी तो नहीं है, y भी लिख सकती हूँ। x की जगह मैं इधर लेट सपोज मान लो यहाँ मैंने y लिख लिया, या मैं x2 लिख लूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ मैं। अगर मैं 2 लिख लूंगी यहाँ पे, मान लो y लिख लेती हूँ, चलो ये y लिख लिया, ये y हो गया। अब क्या करूंगी, दोनों को क्या कर दूंगी इक्वल, क्यों, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है ऑन 1-1 का उसमें एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है दोस्तों, वो होती है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई आना चाहिए, एक्स इक्वल्स टू वाई, तभी वो 1-1 फंक्शन बनता है, राइट। तो यहाँ पे ये तीनों, इन दोनों को मैं इसके अकॉर्डिंग इक्वल लिख सकती हूँ ना, तो मैं यहाँ क्या करूंगी इक्वल लिख लेती हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, जिससे क्या होगा कि 3 - 4x ये होगा 3 - 4x इक्वल आ जाएगा 3 - 4y के, 3 से 3 कैंसिल, -4x इक्वल टू -4y, ये कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल, x इक्वल टू y आ गया। जब x y के इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये चीज प्रूफ हो गई कि जस्टिफाई भी हमने कर दिया आसानी से। तो यहाँ पे ये 1-1 फंक्शन भी बन रहा है और आपका ये क्वेश्चन यहाँ जस्टिफाई भी हो गया है, तो सिंपल था ये। अब इसी में आपको क्या देखना है, ऑन टू भी देखना है। अगर देखो ऑन टू भी बन रहा है तो ये आपका बाइजेक्टिव है, तो ऑन टू भी चेक कर लेते हैं, देखो क्या बनेगा। ऑन टू की बात करें तो हम इसी क्वेश्चन में ऑन टू क्या हो जाएगा आपका, हम इसकी वैल्यूज देखते हैं, यही चेक कर लेते हैं। देखो इसकी वैल्यूज देखेंगे रेंज की, जो ये निकली है रेंज क्या क्या बन रही है, और भी डॉट 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 बनेंगी, तो जो हमारे पास क्या सारी वैल्यूज ही आ जाएंगी ना, जो 1-1 बन रही है, तो ये क्या हो गया आपका कोडोमेन है ना, कोडोमेन। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया, इसका मतलब कि जब कोडोमेन आपका रेंज के इक्वल हो जाए, क्या जब कोडोमेन आपका रेंज के इक्वल हो जाए, तब इसका मतलब क्या होता है कि इट इज ऑन टू फंक्शन है, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब ये ऑन टू फंक्शन हो गया है आपका, ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन आपका बन गया, क्योंकि जो कोडोमेन्स की जो वैल्यू थी आपकी वो रेंज की वैल्यू के रियल नंबर्स जो थे
बराबर आ रहे थे, तो दैट्स वाई ये आपका ऑन टू फंक्शन बन गया। जब ये आपका वन वन ऑन टू दोनों है तो ये इट इज बाइजेक्टिव, तब हम इसे बाइजेक्टिव बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फंक्शंस बना रहा है तो मैं इसको बाइजेक्टिव बोल सकती हूँ। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखोगे तो वो भी बिल्कुल इसी की तरह सिमिलर है, बट यहाँ पे फंक्शन जो है वो 1 + x² ड्राइव हो गया है, तो भी करते हैं बिल्कुल एज इट इज सेम है, 1 + x² देखो यहाँ क्या है, f such that r r फंक्शन है 1 + x² यही है। करें इसको, इसको भी कर लेते हैं, इसके भी बना लेते हैं। दो मैंने पहले x ले लिया 1, अगर मैं x 1 ले रही हूँ, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 आ गया, बन गया। फिर मैं ले लेती हूँ 2 ले लूँ तो ले सकती हूँ 2, 2 का स्क्वायर करूंगी 4 + 1 5, 5 बन गया। मैं 3 कर सकती हूँ, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 आ गया। मैं माइनस में ले सकती हूँ रियल नंबर, मैं मान लो 1/2 का लेती हूँ, 1/2 का स्क्वायर करती हूँ प्लस 1 1 ये बाय 4, ये 4 + 1/4 5/4 या 5/4 हो गया, तो डॉट 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 ये हो गया। तो ये वन वन फंक्शन बना रहा है, लिख सकती हूँ कि ये वन वन फंक्शन है, आपको वही लाइन लिखनी है सब क्वेश्चन में, वन वन फंक्शन है क्यों है, फॉर एवरी यूनिक डोमेन के लिए टू यूनिक रेंज तक आपका ये वन वन फंक्शन है। ये वन वन तो बन गया। ऐसे ऑन टू की अगर मैं बात करूं तो ऑन टू में क्या देखेंगे कि ये एलिमेंट सारे इसमें बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑन टू वाला आपको खुद करना है सेल्फ, ठीक है। और अगर ऑन टू भी है तो ये इसका बाइजेक्टिव होगा, बिल्कुल एज इट इज सेम, सारे को पैटर्न सब कुछ सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल आपके सिमिलर है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने को आएंगे और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है आप, क्वेश्चन 8 देखो, लेट ए और बी द सेट, हमें दो सेट गिवन है, एक ए और दूसरा बी, दो सेट गिवन है, शो करना है आपको कि ए इंटू बी कार्टिजन प्रोडक्ट और बी इंटू ए जो है ये फंक्शन बन रहा है। अगर ए इंटू बी है तो वो बी इंटू ए है, ठीक है, और फंक्शन ये दे रखा है, बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। अब ये बाइजेक्टिव है इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें ऑन टू भी बन रहा है और वन वन फंक्शन भी बन रहा है, तो दोनों फंक्शन बन रहे हैं तभी तो ये बाइजेक्टिव है। तो करते हैं सॉल्व, मेरे पास जो आपके पास दो सेट है, एक ए है दूसरा बी है, मैंने इसके वो लिख दिए, ठीक है, फर्स्ट ए इंटू बी है, बी इंटू ए, इसको मैं ए इंटू बी बोलूंगी और इसको मैं बी इंटू ए करूंगी, ये चीज होगी। अब मैं इसके अंदर लिखती हूँ, अगर ए और बी आ रहा है तो यहाँ बी और ए आएगा, ये पहला फंक्शन बन गया। दूसरा अगर ए वन है दूसरा बी वन है तो यहाँ पे बी वन और ए वन हो गया, सेकेंड हो गया। फिर ए टू ले लेती हूँ तो बी टू हो जाएगा, देन बी टू लूंगी तो ए टू, बिल्कुल ऐसे ही तो आएंगे अपोजिट, जब वो ऐसे लिखे गए हैं तो उसमें अगर मैं पुट करती हूँ तो ए भी पहले आ रहा है दूसरा बी आ रहा है, फिर मैं ए वन पुट करती हूँ बी वन करती हूँ तो मेरे पास बी वन ए वन आएगा, आएगा ना, फिर मैं ए टू ए बी टू करती हूँ तो मेरे पास बी टू ए टू आएगा। ये आपकी डोमेन और ये आपकी रेंज बन गई आपके कोडोमेन के अंदर। तो जब ये वन वन फंक्शन बन रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, ठीक है, तो इट इज वन वन फंक्शन। ये आपका वन वन फंक्शन बन गया, ऑब्जेक्टिव बोलो ओ इंजेक्टिव बोलो इसे, तो ये आपका वन वन फंक्शन बन गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका एफ एक्स एफ वाई के इक्वल है, ये कंडीशन अप्लाइड हो गई, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब सेकंड हम ऑन टू की भी बात कर लेते हैं कि ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू की भी बात कर लेते हैं, ऑन टू में क्या देखेंगे, ऑन टू में क्या देखते हैं, बेसिकली हम कोडोमेन देखेंगे, कोडोमेन की वैल्यू क्या है, आपके पास जो कोडोमेन है वो आपके पास आ रहा है बी वन ए वन, इधर अब करते हैं
देखो कोडोमेन की जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो क्या है। फर्स्ट है बी और ए, सेकेंड है बी वन ए वन, थर्ड है आपके पास बी टू ए टू। ये थी ऐसे डोमेन की, देख लेते हैं डोमेन की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास। ए वन ए और बी है, ए वन बी वन हो गया, ए टू बी टू हो गया। ठीक है, अब देखो आप खुद चेक करो कि क्या हमारे पास कोडोमेन में जो वैल्यूज लिखी गई है वो डोमेन से मैच कर रही है, कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है ये शो हो रहा है। तो ये जब दोनों चीजें इक्वल हो गई है इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका ओन टू फंक्शन है, ये आपका डोमेन नहीं है, रेंज है, रेंज है। ठीक है, देखो यहाँ कोडोमेन हमारा रेंज के इक्वल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो इट इज ऑन टू फंक्शन, तो ये ऑटोमेटिकली बाइजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका वन वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन दोनों बन रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया है, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया है, ये बन गया है क्योंकि ये है। ठीक है, ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम एज इट इज, और तो उसमें कुछ करना नहीं था। क्वेश्चन 9 देखो अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन 9 सारे क्वेश्चन सिमिलर ऐसे ही करना है। लेट एफ सच दैट एन, अब बोला गया है कि एफ सच दैट एन जो है आपका वो क्या बिलोंग कर रहा है एन से। बी डिफाइंड बाय एफ एन, एक फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है एन प्लस 1/2 इफ एन इज ओड और n/2 इफ एन इज इवन। दो कंडीशन दी है यहाँ पे बोला गया है, कंडीशन क्या है, देखो फंक्शन की कंडीशन है, ध्यान से देखना ये है इजी। एफ एन इक्वल्स टू एन प्लस 1/2, ये चीज थी एन प्लस 1/2। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे, या इफ एन बाय टू दे रखा है, एक और फंक्शन है ये, किस केस में है, इवन के केस में, सॉरी ओड के केस में है ये, और ये वाला आपका इवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं ये वाली वैल्यू के लिए, जब मैं ओड वैल्यू ले रही हूँ तो मेरे को ये लगाना है फंक्शन, और जब मैं इवन की वैल्यू लूंगी तो मेरे को ये वाला फंक्शन यूज करना है, और उससे ही मुझे अपने डोमेन और रेंज फाइंड करने हैं। सिंपल, तो मैं यहाँ बना लेती हूँ क्योंकि ठीक है आपके पास एफ सच दैट एन नेचुरल नंबर होने चाहिए, सिंपल सी बात है, जीरो नहीं होगा, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो देखो ओड नंबर, ओड के लिए क्या करना है, मैं वन लूंगी, ओड वन इज ओड नंबर ना आपका, तो मैं यहाँ वन पुट कर दूंगी, 1 + 1 2/2 वन आ जाएगा, वन करने पे मेरे पास वन आ रहा है। सेकेंड टू, अब टू ओड है कि इवन है, इवन है तो मैं इसमें पुट कर दूंगी, तो 2/2 वन आ रहा है, मतलब टू के लिए भी मेरे पास वन ही आ रहा है और वन के लिए भी मेरे पास वन ही आ रहा है, तो ये तो वन वन बनेगा ही नहीं, आपको फर्स्ट स्टेप से ही दिखाई दे गया होगा। दोबारा हम कर लेते हैं, और देखो अगर मैं ओड 3 लूंगी, 3 + 1 4, 4/2 2 आ गया, 3 के लिए मेरे पास 2 आ गया, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, 4 लूंगी, 4/2 तो 2 आएगा, मतलब 4 के लिए भी मेरे पास 2 ही रेंज निकल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास दो डोमेन के लिए एक ही इमेज निकल रही है, एक सिंगल रेंज निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे वन वन फंक्शन नहीं बन रहा, यूनिकली नहीं बन रहा। तो लिख सकती हूँ मैं, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज डिफरेंट, रेंज जो है वो डिफरेंट है, तो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, सॉरी। अब इसका वो भी चेक कर लेते हैं ऑन टू, कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा। देखो ऑन टू भी देख लेते हैं, इधर ऑन टू में क्या देखना है, कोडोमेन ये वन और टू क्या इन सब से मैच हो रहे हैं, क्या ऑन और टू ये जो आपके हैं बाइजेक्टिव है, जस्टिफाई भी करना है आंसर को कि या ये आपके बाइजेक्टिव भी है, बाइजेक्टिव नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि वन और टू क्या आपके पूरे और भी आ रहे हैं, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे,
सबसे मैच करेंगे, नहीं होंगे तो यहाँ पे कोडोमेन इक्वल नहीं है रेंज के, तो नॉट ऑन टू फंक्शन, ये भी यहाँ नहीं बना। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सारे करने। क्वेश्चन 9 भी इजी था, जो हो गया आपका बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10। अब ये क्या बोला है, लेट ए इक्वल्स टू आर माइनस 3 आर माइनस 1, दो दे रखी है वैल्यूज, एंड कंसिडर करना है एफ फंक्शन सच दैट ए जो है बी है डिफाइंड बाय एफ एक्स एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, इज एफ 1 1 एंड ओन 2, जस्टिफाई योर आंसर। अगर एफ 1 1 और ओन 2 बन रहा है तो अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको करना है क्या है, इस क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है ए दे रखा है आर माइनस ब्रैकेट में 3, फिर दे रखा है बी आर माइनस ब्रैकेट में 1, ये चीज दे रखी है, और फंक्शन क्या है मेरे पास एफ एक्स एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3। मैं क्या लेती हूँ, दो वैल्यूज ले लेती हूँ, सेम यहाँ पे दो वैल्यूज ले लूंगी, मैं क्या करूंगी दो वैल्यूज ले लूंगी। अगर मैं एक्स 1 लेती हूँ तो 1 1 1 माइनस 2 1 माइनस 3 -1 -2 2 कट के 1/2 आ गया, एक फंक्शन बन गया। ठीक है ये क्लियर। नेक्स्ट देखो 2 लूंगी तो 0 ही हो जाएगा सारा, ऊपर 0 तो नीचे 0, 3 -2 3 -3 0 हो गया, तो 3 में से 2 गया 1, तो ये यहाँ क्या हो गया आपका 1 1 फंक्शन बन रहा है। 4 -2 कर दूंगी 3 1, 4 -2 2 आ जाएगा। देखो यहाँ जो बन रहा है वो 1 1 फंक्शन बन रहा है, तो मैं लिख दूंगी वही लाइन जो हर क्वेश्चन में लिखी है मैंने, क्या लिखी है फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज, क्या हो जाएगा यूनिक, तो इट इज 1 1 फंक्शन, ये आपका क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है ये 1 1 फंक्शन खत्म यहाँ पे। अब मुझे इसे जस्टिफाई भी करना है, क्या बोला है कि अगर ये 1 1 ऑन 2 है तो मुझे इसे क्या करना है जस्टिफाई करना है। तो देखो मैं इसको पहले जस्टिफाई करती हूँ कि 1 1 फंक्शन के लिए मैं इसे जस्टिफाई कैसे करूँ, कुछ नहीं करना, आपके पास ये एक्स है, दूसरा क्या ले लेती हूँ मैं एक्स का, या दूसरा मैं क्या ले लूंगी वाई ले लूंगी, या क्या लिख सकती हूँ मैं एक्स 1 भी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना मैं अगर एक्स 1 लिखूंगी। देखो मुझे क्या लाना है, बेसिकली मुझे एक्स तो वाई के इक्वल लेकर आना है, तो जब मेरे पास एफ एक्स क्या दे रखा है एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, ठीक है तो दूसरा मैं ले लेती हूँ एफ वाई वाई माइनस 2 और वाई माइनस 3, ये भी लिख सकती हूँ, फिर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी, या तो मैं एक्स 1 लिख सकती हूँ, जब एक्स एक्स 1 से होगा मान लो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल लिखूंगी वाई माइनस 2 और वाई माइनस 3 के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, शॉर्ट तरीके से करते हैं। चलो इसे एक्स 1 मान लेते हैं, छोड़ो मान लेते हैं एक्स 1 माइनस 2 और एक्स माइनस 3 2, ये ठीक है। अब मैं लिख लेती हूँ एक्स माइनस 2, नीचे लिख लेती हूँ एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स 1 माइनस 2 और एक्स 2 माइनस 3, या 1 ले लो या 2 ले लो या कुछ भी कर सकते हो आप, मान लो ये 1 1 हो गया, ये 2 2 ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने, लेट सपोज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये एक्स 1 माइनस 2 दूसरा आपका एक्स 1 माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स 1 माइनस 2 और एक्स 2 माइनस 3। जब इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका एक्स कुछ दोनों इक्वल आ जाएंगे, और ये इक्वल आ गए तो आपका ये 1 1 फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, जस्टिफाई। ऐसे ही आपको क्या करना है ओन 2 के लिए करना है, तो ओन 2 के लिए आप क्या करोगे, ओन 2 के अंदर हम कोड डोमेन्स और ये चेक करते हैं, राइट यही चीजें चेक करते हैं, तो क्या कर सकते हैं तो सॉल्व करेंगे, इसी से हम निकाल लेंगे, क्या इसी से हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे इससे हम,
देखो कैसे करेंगे, अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं, मेरे पास जो आ रही है एक्स वन एक्स टू से करोगे मल्टीप्लाई, एक्स वन एक्स से एक्स वन का स्क्वायर माइनस, रफ करते हैं, इसे करके देखना है, एक्स को इससे करोगे एक्स वन का स्क्वायर 3x1, फिर माइनस माइनस 2x1, माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू दिस साइड, ये करना तो ये इधर उधर आके ना कट पिट जाएगा, और आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी ना वही आपके आंसर हो जाएगी, और वो आपकी प्रूफ कर देगी। तो ऑन टू वाला पार्ट भी आपको बिल्कुल एक्सरसाइज करना है दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिमिलर थे, तो ये जो पार्ट बचा ये आप सेल्फ प्रैक्टिस करना, ठीक है? डाउट आएगा नहीं आपको, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, बहुत ही आसान है, आप कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 11, लेट एफ सच दैट आर, क्या बोला गया है कि एफ सच दैट आर जो है आर रियल नंबर, रियल नंबर डिफाइन एज एफ एक्स एक्स की पावर 4, ये पावर है, ये पावर समझना है, एक्स की पावर 4 ये चीज है, ठीक है? ये फंक्शन है, आपको इसमें से करेक्ट बताना है कि चारों में से कौन सा इसको प्रूफ करके स्टेटमेंट आ रही है कि ये वन वन है, कि मैनी वन है, कि वन वन है बट नॉट ऑन टू है, या नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू है। सॉल्व करके पता चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, यही करते हैं, देखो क्या दे रखा है, एफ सच दैट आर रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है? उसके बाद फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, ऐसे और भी क्वेश्चन किए थे, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो वाला, वैसे ही बिल्कुल। तो यहाँ पावर 4 है, तो मैं सबसे पहले क्या ले लेती हूँ, 0 लूंगी, 0 ही बन जाएगा, रियल नंबर लेने हैं 1 कर लेते हैं, एक आर दूसरा मैं 1 लेती हूँ यहाँ, तो 1 का 4 पावर करेंगे 1 ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 2 की पावर 4 16 आएगी, यही आएगा, और आगे करते रहोगे अगर माइनस वन करोगे तब भी तो वन ही आ रहा है, आ रहा है ना, क्या होगा माइनस वन करोगे तब भी वन आएगा, माइनस का 2 करोगे तब भी 16 ही आएगा, तो क्या ये वन वन फंक्शन है, खुद बताओ। वन से वन आ रहा है, माइनस वन लूंगी तब भी मेरे पास वन आएगा, टू लूंगी तो मेरे पास 16 आएगा, माइनस टू करूंगी तब भी 16 ही आ रहा है, क्या ये वन वन फंक्शन बन रहा है, नहीं बन रहा दोस्तों, ये नहीं बन रहा, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज, रेंज क्या हो गई आपकी, डिफरेंट हो गई, रेंज आपकी डिफरेंट हो गई है, तो ये आपका क्या वन वन फंक्शन नहीं बन रहा, लिख सकते हो, तो इट इज नॉट वन वन फंक्शन, क्लियर? ये वन वन फंक्शन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ये वन वन फंक्शन तो पहले बन ही नहीं रहा, क्या ये वन वन ऑन टू है, नहीं है, तो नाइदर मैन ही वन वन है, वन वन बट नॉट वन वन, वन वन नहीं है, देखो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट नाइदर है, नहीं बन रहा वन वन, तो नोर ऑन टू ही लास्ट ऑप्शन होगा, जब ये वन वन नहीं बन रहा तो देखो यहाँ पे ये सारे उसमें मैच करेंगे, और बाकी नंबर तो लिखे ही नहीं है, तो ये क्या ऑन टू भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी को डोमेन और जो हमारे क्या रेंज जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं बन रहा है आपका, ये सिर्फ वन वन फंक्शन नहीं बन रहा तो ऑन टू भी नहीं बन रहा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या वन वन ऑन टू है, नहीं है, क्या मैनी वन बन रहे हैं ऑन टू, नहीं बन रही, क्या वन वन है ऑन टू नहीं है, सिर्फ ये भी पॉसिबल नहीं है, जो वन वन भी नहीं बन रहा और ऑन टू भी नहीं बन रहा, दोनों ही नहीं बन रहे ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है? ये चेक करने का वो था, ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 12, देखो इसमें भी आपको ऑप्शन वाला है, क्या दे रखा है, एफ सच दैट आर आर रियल नंबर्स है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू 3x है, फंक्शन मेरे पास है एफ एक्स इक्वल टू 3x,
और जो यहाँ पे फंक्शन ये एफ से जेड आर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इज दिस क्लियर? देखो अब क्या करना है, सेम मुझे यहाँ पे तीनों में से चेक करना है, तो मैं कर लेती हूँ। लेट सपोज दो बनाती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ वैल्यूज एक्स। अगर मैं पहले वन लेती हूँ तो थ्री आएगा, ठीक है, वन लिया। उसके बाद मैं टू लूंगी तो सिक्स आएगा, थ्री लूंगी तो नाइन आएगा, वन बाय टू लूंगी तो कितना आ जाएगा, वन बाय टू तो थ्री बाय टू आ गया। अगर मान लो मैं ले लेती हूँ थोड़ी बड़ी वैल्यू, और भी ले सकते हैं, अब मैं और दूसरी वैल्यू क्या ले सकती हूँ। ये आपका थ्री हो गया, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ मान लो टू बाय फोर। अगर मैं यहाँ टू बाय थ्री लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा आपका, और क्या होगा, थ्री इंटू टू बाय थ्री करूंगी, ये कैंसिल हो गया, टू बच गया। का मतलब क्या हो गया कि वन वन फंक्शन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आपके, वन वन फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये ऑन टू भी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। वन वन तो बन रहा है, बट ऑन टू के लिए भी चेक करना जरूरी है ना कि ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, वन वन तो है क्योंकि एफ एक्स हमारा एफ वाई के इक्वल आ गया, ठीक है। ऑन टू के लिए भी चेक कर लेते कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो आप इसमें देखो कि आपका को डोमेन रेंज के इक्वल है या नहीं, को डोमेन रेंज के इक्वल है या नहीं है। तो 369 क्या रियल नंबर्स हैं, बाकी रूट में भी तो आ सकती है वैल्यूज, वो सारी आ रही है बिलोंग करें तो, नहीं आ रही ना तो नहीं है, नॉट इक्वल है, नॉट ऑन टू। तो आपका जो ऑप्शन है वो है सी वाला कि एफ वन वन तो है बट नॉट ऑन टू, एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू, क्लियर। गिनती के पूरे हमने दो पार्ट्स में एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, सिक्स सिक्स पार्ट्स में करें, छः छः क्वेश्चंस जो है थोड़े लेंथी हैं बस, सारे पर आपको करना क्या है, वन वन फंक्शन चेक करना है और ऑन टू चेक करना है या नहीं। कितने फंक्शन से, रियल नंबर्स पे आएगा, इंटीजर्स पे आ सकता है और आपका नेचुरल पे आ सकता है। सिंपल सी वैल्यू पुट करके तो चेक करना और फंक्शन चेक करना, अगर दोनों हो रहे हैं तो वो आपके क्या हो गए हैं, वो आपके बाइजेक्टिव्स हो गए हैं, बस यही है। इससे ज़्यादा इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं था एक्स्ट्रा, एक भी पॉइंट आपका एक्स्ट्रा नहीं है। फंक्शन से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे जो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, बट आपको पहले समझना है कि टॉपिक में है क्या, फाइंड क्या करना है। सारे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेम है, मेथड वही है, बस फंक्शन ही तो चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको। जब तक के लिए सारी वीडियोस देखनी है इस चैप्टर की और हर एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके डाउट्स भी ना रहे, और अगर रहते भी हैं डाउट्स तो साथ के साथ क्लियर होंगे क्योंकि आप साथ के साथ पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।